खबर प्रयागराज जनपद से, जहां पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। प्रयागराज की थाना जांच टाउन पुलिस ने विजय सरोज और मनीपासी की गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी के नेतृत्व में LIC रोड उठसाते लुटेरों को मैं लूटे हुए माल, जेवरात और मोबाइल तथा 6 अदद बम सहित गिरफ्तार किया गया है। SP सिटी दिनेश कुमार सिंह ने घटना की प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि अभियुक्त सातिर किस्म के लुटेरे हैं। इन्होंने पूर्व में ही की गई लूट की घटनाओं को कबूल किया है। पूछताछ के दौरान उन्होंने बताया कि हम लोग योजनाबद्ध तरीके से लूटपाट की घटनाओं को अंजाम देते हैं। इससे पहले भी कई जगह असलाह की नोक पर लूट व हत्या की घटना को अंजाम दे चुके हैं। क्या मामला है सर, और आज किस तरह से लोग पकड़े गए हैं और कितनी बरामदगी हुई है और इन पे क्या आपराधिक इतिहास है? ये चार्ज टाउन इंस्पेक्टर साहब और उनकी टीम, जिसमें शिवम सोनी हम कांस्टेबल जो हमारे साथ हैं, बहुत ही डेयरिंग तरीके से मौके पर ऑन स्पॉट एक चेन स्नैचिंग के मुलजिम को पकड़ा, जो महिला से चेन खींच करके भाग रहा था। ये पहले भी 2-3 अटेम्प्ट कर चुका था। वैसे तो इसके 2017 से ही स्नैचिंग का इतिहास है, पहले भी जेल जा चुका है ये। शिवकुटी से दारागंज में, करलगंज में भी क्राइम है इसकी, जांच टाउन में भी क्राइम है। और ये गैंग कई बार दिख रही थी हमें कैमरों में, लेकिन कहीं ना कहीं ये भीड़ भाड़ का फायदा उठा के बच जाता था। आज हमारी टीम ने दौड़ा करके इसको और काफी साहसिक तरीके से पकड़ा है, और निश्चित तौर पर ये इस इलाके में अब क्राइम चेन स्नैचिंग की रुकेगी, और इस कार्य की इनके सभी सीनियर ऑफिसर्स ने काफी सराहना की है। सर, इनके ऊपर क्या आपराधिक इतिहास और इनके गिरोह में कौन कौन लोग आगे? गैंग के पे एक पे विजय पे जो है इस पे 11 मुकदमे हो चुके, और दूसरा मुलजिम उस पे 4 मुकदमे हैं। हम इस पे गैंगस्टर एक्ट की भी कार्रवाई करेंगे और आगे विजय की हिस्ट्री शीट भी खोली जाएगी। कोतवाली सुरंग की पुलिस टीम ने गोहरी त्राहे रोड से मोबाइल चुराने वाले गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया। इनके पास से चोरी के 24 मोबाइल सेट बरामद हुए। गिरोह के सदस्य रेलवे स्टेशन और कस्बों में मोबाइल सेट चुराते थे और फिर उसे औने पौने दामों में बेचकर अपना शौक पूरा करते थे। पूछताछ में पकड़े गए लोगों की पहचान कुलदीप ओम प्रकाश रवि जिला प्रयागराज के रूप में हुई है। इन लोगों के पास से अलग अलग कंपनियों के स्मार्ट और फीचर मोबाइल सेट बरामद हुए हैं। बरामद मोबाइल की कीमत 2-2.5 लाख रुपए आंकी गई है। पूछताछ में इन लोगों ने बताया कि रेलवे स्टेशन, ट्रेन और भीड़ वाली जगहों से मोबाइल चोरी करते हैं। बरामद मोबाइल को इन लोगों ने प्रतापगढ़ और प्रयागराज रेलवे स्टेशन और विभिन्न ट्रेनों में यात्रियों से चुराए थे। चारों ने पुलिस को बताया कि चुराने के बाद स्मार्टफोन को 1-5 हजार रुपए में तथा फीचर मोबाइल फोन को 500-1 हजार रुपए में बेच देते थे। वे चोरी के मोबाइल बेचने को ही फिराक में थे कि एक पकड़ लिए गए। प्रयागराज जनपद से राज्य की रिपोर्ट। चोरी से पकड़े जाने के लिए, बचने के लिए दुकानों पर नहीं। वो लोग क्या है सर, इसके मोबाइल अभी तो हम लोग ट्रेस कर रहे हैं उनको। आज तो हमने उन लोगों को भी बुलाया है शाम को थाने पे, जिन्होंने खरीदा है जो गांव के लोग। अब उनके लोगों पे हमें कार्रवाई तो संभव नहीं है, लेकिन उनको एक राय जरूर की जाएगी बिना परिचय के और बिना कागज के इस तरह से खरीदे। सारा लुटेरा गैंग है अपना, और खरवई के कुछ इसमें कौन सा लुटेरा गैंग है अंतर्गत प्रयागराज पुलिस ने एक सराहनीय कार्य करते हुए फाफामऊ क्षेत्र से एक मोबाइल लुटेरे गैंग का पर्दाफाश किया है। इनमें से 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है पुलिस के द्वारा। इनके पास से 24 मोबाइल बरामद किए गए हैं और करीब 4,000 नकद बरामद किया गया। इसके अलावा 2 चोरी की मोटरसाइकिलें भी बरामद की गई। इन चारों लड़कों की उम्र 18-20 साल के आसपास की है, और ये अलग अलग दिशाओं में अलग अलग क्षेत्रों में मोबाइल से दूसरे अन्य लोगों का मोबाइल छीना करते थे और उसे स्थानीय स्तर पर किसी भी व्यक्ति को बेच दिया करते थे। पुलिस ने इन चारों व्यक्तियों से जो मोबाइल बरामद किए हैं उनका सबका EMI ट्रेस कर लिया है और वो थाने पे उपलब्ध है। तो जिस किसी व्यक्ति का भी ये मोबाइल हो वो थाने से संपर्क कर अपनी मोबाइल की जानकारी कर सकता है और उसके बाद विधिक प्रक्रिया के माध्यम से उसको हैंड ओवर किया जाएगा। सर, इनके क्या आपराधिक इतिहास भी है और इसमें कितने लोग हैंगे और क्या पूरा है? अभी इनिशियल स्टेज में 4 लोगों की गिरफ्तारी की हुई है। इनके ऊपर कार्रवाई और सुरक्षा क्षेत्र में मुकदमे दर्ज है। आगे की जाँच पुलिस कर रही है।